Hello students, welcome to allotrop Classes, One Step Ahead for Learning, where we help you to achieve your goals. Students, in this video, we will discuss the NCRT exercise questions from chapter 2, class 9 is matter around us pure. We have already discussed NCRT in text question in the previous part. In this part, we will discuss all the NCRT exercise questions related to this chapter. ओके सो लेट स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन इज विच सेपरेशन टेक्निक्स विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पर आपको मिक्सचर्स दिए हुए हैं कौन सी टेक्निक आप यूज करेंगे इन मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स पढ़ाई गई हैं जिसमें डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सिंपल डिस्टिलेशन सेंट्रीफ्यूगेशन क्रिस्टलाइजेशन ये सभी टेक्निक्स हम आपको पढ़ा चुके हैं थ्योरीज लेक्चर में ओके okay? तो आई होप आपने वो सभी लेक्चर्स देखे हुए होंगे और आप इन क्वेश्चन के आंसर ईजिली लगा सकते हैं ठीक तो है, है तो फर्स्ट है हमारा सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सोल्यूशन इन वाटर सोडियम क्लोराइड को जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है उसको हम कौन सी टेक्निक से सेपरेट कर सकते हैं इवापोरेशन टेक्निक से क्योंकि वाटर की जो है वेपर्स कन्वर्ट हो जाती है वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है जबकि सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स एज इट इज़ रहते हैं तो यहाँ पर हम कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे इवापोरेशन टेक्निक एंड दिस टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक नंबर टू अमोनियम क्लोराइड फ्राम ए मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा कॉम्पोनेंट है जो हीटअप करने पर सॉलिड से डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है सिमिलरली कैम्फर नेफ्थलीन बॉल्स ये सभी तीनों टाइप के जो सॉलि कॉम्पोनेंट आपको बताए गए हैं अमोनियम क्लोराइड नेफ्थलिन बॉल्स एंड कैम्फर ये सभी क्या है सॉलिड से डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर्स में तो यहाँ पर हम कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं जब सॉलिड से डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं या वेपर्स से डायरेक्ट कन्वर्ट होता है सॉलिड में सब्लिमेशन टेक्निक तो ये सेकेंड होगा हमारा सब्लिमेशन टेक्निक के थ्रू नेक्स्ट है स्मॉल पीसीज ऑफ मेटल्स इन द इंजन ऑफ ए कार ऑयल कार ऑयल में पीसीज जो है मेटल के डिजोल्व हो गए हैं तो यहाँ पर क्या होगा वो डिज़ोल्व नहीं होंगे नीचे बैठ जाएंगे तो फिल्ट्रेशन टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं उन्हें छान लेंगे हम ठीक है तो फिल्टर कर लेंगे तो वो इजीली क्या है मैटर के पेजिज क्या हो जाएंगे सेपरेट हो जाएंगे ऑय से नेक्स्ट है डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लोवर पेटल्स फ्लोवर पेटल्स जो फूलों की पत्तियाँ होती हैं उनसे हमें प्लांट पिगमेंट जो प्रेजेंट होते हैं कलर अलग अलग उनको सेपरेट करना है तो कलराइजेशन की टेक्निक आपको पढ़ाई गई थी इंपॉर्टेंट टेक्निक थी क्रोमेटोग्राफी वो यहाँ पर यूज़ की जाएगी नेक्स्ट है बटर फ्रॉम कार्ड सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक यूज होती है बटर को सेपरेट करने के लिए कार्ड से जो कि हम घर में भी यूज़ करते हैं ठीक है ऑयल फ्रॉम वाटर वाटर और ऑयल दोनों क्या है इमिसिबल लिक्विड्स है तो इमिसिबल लिक्विड्स की अलग अलग लेयर्स बन जाती हैं तो अलग अलग लेयर्स को हम किस टेक्निक के थ्रू सेपरेट करते हैं सेपरेटिंग फनल टेक्निक के थ्रू ओके नेक्स्ट है टी लीव्स फ्रॉम ट्री जब टी हम घर पे टी प्रिपेयर करते हैं तो उसको कैसे छानते हैं ठीक है कौन सी टेक्निक यूज होती है सिंपल टेक्निक है फिल्ट्रेशन टेक्निक हम यूज करते हैं ओके आयरन पिंस फ्रॉम सैंड अब आयरन पिंस जो हमारे प्रेजेंट है सैंड में तो आयरन पिन क्या है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं तो मैग्नेट्स के थ्रू हम सेपरेट कर सकते हैं इनको ठीक है तो आप नोट करेंगे यहाँ पर सेपरेशन फ्रॉम मैग्नेट नेक्स्ट है वीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क वीट ग्रेन्स को सेपरेट कैसे कर सकते हैं हॉस्टिंग एयर के थ्रू जब हम बहुत तेजी से उसमें एयर को प्रेजेंट करेंगे ठीक है तो वहाँ पर क्या होगा वीट ग्रेन से आपका हस जो होगा वो सेपरेट हो जाएगा क्योंकि वो उनका वेट क्या होता है बहुत ही कम होता है डेंसिटी कम होती है तो ईजिली क्या है एयर के थ्रू सेपरेट हो जाते हैं नेक्स्ट फाइन मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर मड पार्टिकल्स को वाटर के थ्रू आपको क्या करना होता है सेपरेट करना है तो यहाँ पर आप कौन सी टेक्निक यूज करते हैं एलम फिटकरी के थ्रू आप उसको क्या कर लेते हैं एलम किसे बोलते हैं फिटकरी को तो वो वाटर को हम सेपरेट कर लेते हैं ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों राइट द स्टेप्स यू वुड यूज़ फॉर मेकिंग टी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगेगा आपको आपको चाय बनानी है यहाँ पर ठीक है टी प्रिपेयर करनी है जैसे कि आपने आई होप किसी ने घर पर की हो तो इन सभी वर्ड्स को आपको उसमें इंक्लूड करना है देखिए चाय तो सभी ने प्रिपेयर की होगी बट साइंटिफिक वे में चाय प्रिपेयर करनी है अब आपको यहाँ पर ठीक है तो टी प्रिपरेशन के लिए साइंटिफिक टेक्निक क्या होगी देखेंगे चलिए ये वर्ड्स आपको इंक्लूड करने हैं सॉल्यूशन सॉल्वेंट सॉल्यूट डिजोल्व सॉल्युबल इन सोल्यूबल फिल्ट्रेट एंड रेजिड्यू तो चाय बनाने के लिए टी को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आप क्या यूज़ करते हैं सबसे पहले हम एक पैन में क्या लेते हैं वाटर तो वाटर क्या है जिसमें कि हम अदर कॉम्पोनेंट्स को डिजोल्व करते हैं मतलब वो सॉलवेंट है तो वाटर क्या हुआ हमारा सोलवेंट जो हमने पैन में ले लिया नेक्स्ट क्या करते हैं हम उसे हीटअप करते हैं ठीक है और उसमें शुगर को ऐड करते हैं तो शुगर क्या हुआ इसमें हमारा सॉल्यूट की फॉर्म में वर्क करेगा जब सॉल्यूट हमारा डिजोल्व हो जाएगा कम्प्लीटली सोलवेंट में वाटर में तो हमारा कौन सा किस टाइप का मिक्सचर प्रिपेयर हो जाएगा सॉल्यूशन सॉल्यूशन मीन्स ट्रू सॉल्यूशन हमारा प्रिपेयर हो जाएगा उसके बाद हम उसमें क्या ऐड करते हैं टी लीव्स को ऐड करते हैं जो कि इन होती है ओके तो इन वर्ड यहाँ पर इंक्लूड हो गया किसकी फॉर्म में टी लीव्स की फॉर्म में फिर हम साथ में इंक्लूड करते हैं इसमें एक सॉल्यूबल लिक्विड जो कि हमारा होता है मिल्क ओके फिर हम इसे बॉयल करते हैं बॉयल करने के बाद हम इसको फिल्टर कर लेते हैं जिससे कि जो हमारी टी लीव्स प्रेजेंट थी वो फिल्ट्रेट की फॉर्म में सेपरेट हो जाए ठीक है तो जब हम फिल्ट्रेट को सेपरेट करते हैं जिसको हम फेंक देते हैं बाद में वो हमारा क्या होता है रेजिड्यू होता है क्लियर तो इस टाइप से हमने सभी वर्ड्स सॉल्यूशन हमने कौन सा यूज़ किया है यहाँ पर लिक्विड सॉल्यूशन हमने यूज़ किया है ठीक है सॉल्वेंट की फॉर्म में कौन वर्क कर रहा है वाटर सॉल्यूट की फॉर्म में शुगर डिजोल्व और सॉल्वेंट की फॉर्म में कौन यूज़ कर रहा है यूज uh, हो रहा है हमारा मिल्क सोल्यूबर और इन सोल्यूबर लिक्विड हमारा कौन सा है मिल्क है ठीक है फिल्ट्रेट जो हमने छानने के बाद हमने टी प्रिपेयर किया है वो हमारा क्या हो गया फिल्ट्रेट हो गया और जो रिमेनिंग है जिसको हम फेंक देते हैं वो हमारा क्या होता है रेजिड्यू ओके तो इस टाइप से इन सभी वर्ड्स को यूज करके आपने टी प्रिपेयर की इन अ साइंटिफिक वे ओके क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रज्ञा टेस्टेड द सॉलिबिलिटी ऑफ थ्री डिफरेंट सब्सटेंसेस तीन डिफरेंट सब्सटेंसेस की प्रज्ञा एक स्टूडेंट है उसने सॉलिबिलिटी टेस्ट की है ठीक है अलग अलग टेम्परेचर्स पर और उसने एक डेटा को कलेक्ट किया है देखिए सॉलिबिलिटी तो चेक होती है वो 100 ग्राम्स पर चेक होती है ये आपको हमेशा ध्यान रखना है ठीक है सेचूरेटिड सॉल्यूशन जब हम प्रिपेयर करते हैं किसी भी सब्सटेंस का तो उसकी सॉलिबिलिटी जो हम चेक करते हैं वो 100 ग्राम्स पर चेक होती है जैसे परसेंटेज चेक होती है आपकी हंड्रेड पर इसी तरीके से सॉलिबिलिटी आपकी चेक होती है हंड्रेड ग्राम्स पर तो यहाँ पर बच्चे ने कौन से कॉम्पोनेट यूज़ किए हैं ये यहाँ पर यूज़ किए हैं पोटेशियम नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड अलग अलग टेम्परेचर्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं 283 एटी थ्री कैलविन टू नाइन्टी थ्री कैलविन थ्री थर्टीन कैलविन थ्री थर्टी थ्री कैलविन एंड थ्री फिफ्टी थ्री कैलविन इन फाइव टेम्परेचर्स पर बच्चे ने इन चारों कॉम्प सब्सटेंसीज की क्या है सॉलिबिलिटी चेक की है और उसने एक डेटा प्रिपेयर किया है जैसे कि आपको टेबल में दिखाई दे रहा है ठीक है अब इस टेबल से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन किए जाएंगे आपको उनके आंसर देने हैं फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम ऑफ वाटर 50 ग्राम वाटर का सेचूरेटिड सॉल्यूशन आपको प्रिपेयर करना है किसका पोटेशियम नाइट्रेट का तो पोटेशियम नाइट्रेट हमारा फर्स्ट पॉइंट है तो 50 ग्राम का प्रिपेयर करना है अब देखिए जो सॉलिबिलिटी चेक होती है वो 100 ग्राम पर चेक होती है टेम्परेचर कौन सा दिया है थ्री थर्टीन कैलवीन तो थ्री थर्टीन कैलविन पर पोटेशियम नाइट्रेट की आप सॉलिबिलिटी आपको दिखाई दे रही होगी कितनी है यहाँ पर सिक्सटी टू मिड में दिखाई दे रही है सबसे ऊपर सिक्सटी टू पोटेशियम नाइट्रेट देखिए पोटेशियम नाइट्रेट ही आपको देखना है फर्स्ट पॉइंट उसके में आपको दिखाई दे रहा है थ्री थर्टीन कैलविन पर कौन सी सॉलिबिलिटी आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर सिक्सटी टू यहाँ आप देख सकते हैं ये ठीक है तो 62 के यहाँ पर क्या है सॉलिबिलिटी चेक होती है हंड्रेड ग्राम पर तो हंड्रेड ग्राम की सॉलिबिलिटी कितनी है सिक्सटी टू तो फिफ्टी ग्राम की कितनी हो जाएगी हाफ हो जाएगी थर्टी वन ग्राम ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हुआ आपको नेक्स्ट है प्रज्ञा मेक्स ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर एट थ्री फिफ्टी थ्री कैलविन पोटेशियम क्लोराइड का सेचूरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर किया और उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया उसने ठीक है व्हाट वुड बी वट वुड शी ऑब्जर्व एज द सोल्यूशन कोल्स देखिए सब जब भी सोल्यूशन प्रिपेयर होगा और उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तो क्या होगा जो सॉल्यूशन हीटअप था तब वो डिजोल्व हो चुके थे पार्टिकल्स पोटेशियम क्लोराइड के जब उसे ठंडा करेंगे तो उनके क्रिस्टल्स बन जाएंगे और क्रिस्टल्स वो क्या है नीचे बैठ जाएंगे उस स्पीकर में ठीक है तो क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पर फाइंड द सॉलिबिलिटी ऑफ ईच साल्ट एट टू नाइन्टी थ्री कैलविन विच साल्ट द हाइस्ट सॉलिबिलिटी एट दिस टेम्परेचर 293 पर यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी की सॉलिबिलिटी 293 पर ये आपको दिखाई दे रही है कितनी है यहाँ पर ये यह रही 32, 36, 35, 37. तो यहाँ पर हाईएस्ट सॉलिबिलिटी किसकी दिखाई दे रही है आपको 37, जो कि किसकी है हमारे अमोनियम क्लोराइड की ओके okay? तो आंसर क्या हो गया हमारा यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑफ द टेम्परेचर ऑन द सोलिबिलिटी ऑफ ए साल्ट साल्ट की सॉलिबिलिटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा देखिए सॉलिबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर सॉलिबिलिटी आपकी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है मीन्स टेम्परेचर बढ़ता है तो सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है टेम्परेचर कम होता है तो सॉलिबिलिटी कम हो जाती है ठीक है जैसे कि हम वाटर में शुगर को डिजोल्व करते हैं अगर आप कोल्ड वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं तो वो कुछ टाइम लेता है डिज़ोल्व होने में लेकिन अगर आप उस वाटर को हीट अप कर देते हैं तो वो शुगर पार्टिकल्स जल्दी डिजोल्व हो जाते हैं मीन्स टेम्परेचर आपने इस... इंक्रीज किया है तो वो शुगर जल्दी सोलिबल हो गया उसमें वाटर में मीन सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो गई दैट्स वी कैन से दैट द सॉलिबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर मीन इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर सॉलिबिलिटी विल बी इंक्रीजेज और वी इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर द सॉलिबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस विल बी डिक्रीज ओके यहां पर फोर क्वेश्चंस जो थे हमारे इस क्वेश्चन से रिलेटेड वो आपको आई होप क्लियर हो चुके होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको इनका एक्सप्लेन करना है ये सभी मैं आपको थ्योरी में करा चुका हूँ सैचूरेटिव सॉल्यूशन सैचूरेटिव सॉल्यूशन क्या होता है द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व ऐसा सॉल्यूशन जिनमें और सॉल्यूट पार्टिकल्स को आप डिजोल्व नहीं कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं सैचरेटिड सॉल्यूशन वो सैचूरेटिव सॉल्यूशन किसी का भी हो सकता है शुगर का हो सकता है साल्ट का हो सकता है ठीक है कोई भी एक एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं नेक्स्ट है प्योर सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस क्या होता है विच इंक्लूड ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स वेदर दे आर एटम्स और मॉलिक्यूल्स ठीक है एक टाइप के एटम्स और मॉलिक्यूल्स रखने वाले सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं प्योर सब्सटेंस ठीक है नेक्स्ट है कोलोइड कोलोइड क्या होता है हमारा एक हाइड्रोजीनियस मिक्सचर होता है ठीक है जिसके पार्टिकल्स का साइज़ क्या होता है ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के साइज से थोड़ा ज़्यादा होता है ठीक है क्लियर हुआ आपको नेक्स्ट है हमारा सस्पेंशन सस्पेंशन क्या होता है एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसके पार्टिकल्स का साइज़ कोलोइड और ट्रू सॉल्यूशन दोनों से ज़्यादा होता है तो आई होप आपको फोर के फोर जितने भी फोर पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन किए गए हैं वो आपको समझ में आ चुके होंगे नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों ये जो पी डी एफ रेडी की हुई है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो के वहाँ जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं ओके नेक्स्ट है क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज होमोजीनियस एंड हाइट्रोजीनियस मिक्सचर यहाँ आपको कुछ मिक्सचर्स दिए हुए हैं आपको इनका क्लासिफिकेशन करना है मीन्स कौन सा सोल्यूशन आप कौन सा मिक्सचर आपका होमोजीनियस है और कौन सा हाइड्रोजीनियस है तो सोडा वाटर क्या है क्योंकि वो पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है इट लुक लाइक ए यूनिफॉर्म मिक्सचर सो इट इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर वुड वुड हमारा क्या होता है एक हाइट्रोजीनियस मिक्सचर होता है एयर देखिए एयर हमारा होमोजीनियस भी हो सकता है और हाइट्रोजीनियस भी हो सकता है अगर एयर में कोई भी डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट ना हो मीन्स कोई भी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट ना हो तो हम कह सकते हैं कि वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है और अगर एयर में डस्ट पार्टिकल्स या कोई भी अदर इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है तो वो हमारा होगा क्या हैट्रोजीनियस मिक्सचर ओके सॉयल में क्योंकि इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है तो ये हमारा क्या होगा हाइट्रोजीनियस मिक्सचर विनेगर विनेगर जिसको हम एसिटिक एसिड बोलते हैं सिरका जो घर में हम यूज़ करते हैं ठीक है कुकिंग में वो हमारा क्या होता है होमोजीनियस मिक्सचर होता है क्योंकि वो पूरी तरीके से यूनिफॉर्म होता है फिल्टर्ड टी यानी कि छानने के बाद जो टी मिलती है आपको वो पूरी तरीके से एक जैसी दिखाई देती है ठीक है तो वो हमारा क्या होगा होमोजीनियस मिक्सचर होगा ठीक है अगर फिल्टर्ड नहीं है टी तो वो हमारी होती है हाइट्रोजीनियस मिक्सचर बट यहाँ पर क्या बोला गया है फिल्टर्ड टी तो फिल्टर टी हमारी क्या होगी होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर आएगी ओके नेक्स्ट है हाउ वुड यू कन्फर्म दैट ए कलरलेस लिक्विड गिविंग टू यू इज प्योर वाटर एक आपको लिक्विड दिया गया है कलरलेस मीन्स उसका कोई कलर नहीं है कैसे आप फाइंड आउट करेंगे कि वो प्योर वाटर है देखिए प्योर वाटर का एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट होता है पर्टिकुलर फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर जो है आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है और ज़ीरो डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाता है वो फ्रीज हो जाता है मतलब आइस में कन्वर्ट हो जाता है तो अगर आप उस सॉल्यूशन को बॉयल कर रहे हैं और वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि लगभग 373 सेवेंटी कैलविन पर क्या हो रहा है वो हीटअप हो रहा है बॉयल हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि जो आपको गिवंग सॉल्यूशन है कलरलेस लिक्विड है जो वो हमारा प्योर वाटर है अगर टेम्परेचर आपका ज़्यादा आता है या कम आता है मीन्स वो प्योर वाटर नहीं है तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि कलरलेस लिक्विड जो आपको दिया गया है वो प्योर वाटर है या नहीं है क्लियर नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर ऑफ द फॉलोइंग मेटीरियस फॉल इन द कैटेगरी ऑफ इस प्योर सब्सटेंस इनमें से कौन कौन से आपके प्योर सब्सटेंस है देखिए आइस होता है वो एक प्योर सब्सटेंस होता है मिल्क प्योर सब्सटेंस नहीं है क्योंकि वो एक मिक्सचर होता है ठीक है आयरन एक प्योर सब्सटेंस है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इम्प्योर है ठीक है प्योर सब्सटेंस नहीं है कैल्शियम ऑक्साइड भी हमारा प्योर सब्सटेंस होता है मरकरी क्योंकि एक ही मेटल है ये तो ये भी हमारा प्योर सब्सटेंस होगा ब्रिक इम्प्योर होगा वुड भी इम्प्योर होगा और एयर एयर में अगर इम्प्योरिटीज़ प्रजेंट नहीं है तो वो प्योर सब्सटेंस होगा अदरवाइज वो भी इम्प्योर सब्सटेंस में इंक्लूड रहेगा ओके प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं जो केवल एक ही टाइप के पार्टिकल्स को रखते हैं जैसे कि एक ही टाइप के एटम्स हो एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स हो लाइक एच टू ओ टू ठीक है इस टाइप से आइडेंटिफाई द सोल्यूशन एमंग द फॉलोइंग मिक्सचर्स सोल्यूशन को आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है जैसे सॉयल है सी वाटर है एयर है कॉल है और सोडा वाटर है तो इनमें से क्या है सी वाटर और सोडा वाटर ही हमारे सॉल्यूशन होंगे अदरवाइज बाकी सॉयल एयर और कोल ये हमारे क्या होंगे मिक्सचर होंगे ये हमारा सॉल्यूशन नहीं होंगे ओके okay? नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है जो कोलाइडल सोल्यूशन होते हैं ठीक है और जिनके पार्टिकल्स का साइज काफ़ी बड़ा होता है तो यहाँ पर साल्ट मिल्क कॉपर सल्फेट और स्टार सोल्यूशन में से मिल्क और स्टार सोल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज़ क्या होता है काफ़ी बड़ा होता है और ये कोलाइडल सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं जिनसे कि लाइट बीम ऑफ लाइट को हम क्या कर सकते हैं देख सकते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं टिंडल इफ़ेक्ट तो यहां पर कौन कौन टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है मिल्क एंड स्टार सोल्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्लासीफाई द फॉलोइंग इन टू एलिमेंट्स कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स इनमें से आपको एलिमेंट्स बताने हैं कंपाउंड्स बताने हैं और मिक्सचर्स बताने हैं तो सोडियम क्या होता है हमारा एक एलिमेंट है ठीक है सॉइल क्या है एक मिक्सचर है सूगर सोल्यूशन क्या होता है हमारा ये भी मिक्सचर्स होता है सिल्वर एक एलिमेंट है कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड है ठीक है टिन, सिलिकॉन ये दोनों हमारे क्या होते हैं एलिमेंट होते हैं कोल एयर सोप मेथेन ये सभी आपको इनको क्या करना है आइडेंटिफाई करना है कि कौन से आपके मिक्सचर है कौन से आपके कंपाउंड है और कौन से आपके सॉल्यूशन है ठीक है तो क्वेश्चन आप खुद करेंगे ठीक है नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस तो केमिकल चेंजेस के लिए क्या बताया था कोई भी नया सब्सटेंस जिन चेंजेस में प्रिपेयर होता है वो सभी हमारे क्या होते हैं केमिकल चेंजेस फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ ऑफ ए प्लांट प्लांट की ग्रोथ हो रही है कोई नया सब्सटेंस बनता है तभी वो ग्रोथ हो सकती है तो क्या होगा ये हमारा केमिकल चेंज होगा रस्टिंग ऑफ आयरन भी केमिकल चेंज है मिक्सिंग ऑफ आयरन फीलिंग्स एंड सेंड देखिए आयरन फीलिंग्स को जब हम सेंड में मिक्स करते हैं फीलिंग्स क्या होती है आयरन फीलिंग्स मीन्स लोहे के टुकड़े ठीक है ठीक है तो जब ये मिक्स करते हैं इनको हम सेपरेट कर सकते हैं वो ओरिजिनल फॉर्म में आ सकते हैं तो यहाँ पर हमारा फिजिकल चेंज होगा कुकिंग ऑफ़ फ़ूड डाइजेशन ऑफ़ फ़ूड ये सभी केमिकल चेंजेस होंगे क्योंकि इनमें नए सब्सटेंस का प्रिपरेशन हो जाता है फ्रीजिंग ऑफ वाटर ये हमारा फिजिकल चेंज होगा क्योंकि फ्रीजिंग वाटर को फ्रीज़ करते हैं तो आइस बन जाती है आइस को मेल्ट करेंगे तो दोबारा से वाटर बन जाएगा बर्निंग ऑफ ए कैंडल ये भी हमारा क्या है एक केमिकल चेंज है ठीक है तो आई होप आपको जितने क्वेश्चंस कराए गए हैं यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चन थे वो आपको आई होप क्लियर हो चुके होंगे बेटा पी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो वहाँ जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से क्वेश्चंस को लर्न कर सकते हैं ओके सो दैट्स इट फॉर टुडे होप यू इन्जॉयड द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग